हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 अप्रैल 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, आज हम मैप डिस्कस करेंगे फ्रांस कंट्री का। सबसे पहले देख लेते हैं, देखो ये फ्रांस है, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें एक इम्पोर्टेंट कंट्री के रूप में रोल प्ले करता है फ्रांस। फ्रांस की जो बॉर्डर है वो यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट में अगर हम देखें तो बेल्जियम से लग्जमबर्ग, फिर आता है जर्मनी, फिर स्विट्जरलैंड जो एक लैंड लॉक कंट्री है। आगे नेक्स्ट जो मैप है वो हम स्विट्जरलैंड का ही डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्विट्जरलैंड कंट्री। फिर इटली, और यहाँ साउथ में मेडिटेरियन सी से अपनी बॉर्डर टच करता है फ्रांस, और यहाँ पर है स्पेन। इस साइड आएगा अटलांटिक ओशन, ये बे ऑफ बिस्की है, और इस साइड है इंग्लिश चैनल। ये जो इंग्लिश चैनल है एक स्ट्रेट, एक वाटर बॉडी, नैरो वाटर बॉडी से एक बड़ा वाटर बॉडी, जो टू उससे भी बड़ी बिग वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर नर्दन सी है और इस साइड है अटलांटिक सी, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है इंग्लिश चैनल। यहाँ पर है डोवर स्ट्रेट, ये डोवर स्ट्रेट है जो नर्दन सी, इंग्लिश चैनल या फिर अटलांटिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है। ये नर्दन पार्ट में इंग्लिश चैनल के ऊपर है यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो ये फ्रांस के बारे में हमने देखा फ्रांस। अब हम स्विट्जरलैंड का मैप देखते हैं। देखो स्विट्जरलैंड काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है, एक लैंड लॉक कंट्री है जो चारों तरफ से बहुत सारे कंट्रीज से घिरा हुआ है, जैसे यहाँ पर फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इस साइड इटली, और इन सारी कंट्रीज से ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इन कंट्रीज से घिरा हुआ है। लैंड लॉक कंट्री है, ऐसी कंट्री जो डायरेक्ट किसी वाटर बॉडीज़ के टच में नहीं होती वो होती है लैंड लॉक कंट्री। तो स्विट्जरलैंड का इम्पोर्टेंस इसलिए हो जाता है कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। क्यों है? क्योंकि देखो स्विट्जरलैंड ऐसा कंट्री है जो कभी भी कोई भी वॉर हुआ उसमें किसी के लिए भी प्रो नहीं हुआ। मतलब जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ना तो ये USSR को सपोर्ट कर रहा था और ना ही USA को सपोर्ट कर रहा था। मतलब एज ए न्यूट्रल कंट्री के रूप में स्विट्जरलैंड हमेशा एग्जिस्ट रहा है। इसीलिए इसको, स्विट्जरलैंड को एक कंट्री ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO, WHO, इसके अलावा जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे देखो, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये सारे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके हेडक्वार्टर जो रोल प्ले करते हैं सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पीस, इन सारे में जो रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा IUCN, ये सारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है स्विट्जरलैंड हमारे लिए। फ्रांस को हमने देखा, स्विट्जरलैंड को हमने देखा। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, D-Day फॉर तमिलनाडु, केरला एंड पुदुचेरी। आज 6 अप्रैल है और 6 अप्रैल वाले दिन तमिलनाडु में, पुदुचेरी जो UT है, और केरला में 140 सीट के लिए, पुदुचेरी में 30 सीट के लिए और तमिलनाडु में 234 सीट के लिए चुनाव होने वाले हैं स्टेट असेंबली के। नेक्स्ट न्यूज, या देखिए, गवर्नमेंट रबिसेज राफेल रिपोर्ट कांग्रेस सीक्स प्रॉप। कॉन्टेक्स्ट क्या है? राफेल फाइटर जेट प्लेन इंडिया ने खरीदे हैं, कहाँ से? फ्रांस से। अब फ्रांस की एक मीडिया रिपोर्ट है, उसमें सामने आया है कि फ्रांस की जो एंटी करप्शन एजेंसी है, एजेंस फ्रांसिस एंटी करप्शन, उसने ये पाया है कि ये एयरक्राफ्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है डेसोल्ट एविएशन, उसने एक मिलियन यूरो इंडियन कंपनी को दिए, इसलिए दिए कि इंडो फ्रांस जो राफेल डील है वो कंप्लीट हो पाए। तो इसको लेकर के जो कांग्रेस है उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से क्वेश्चन पूछा है कि स्पेशली इसका आंसर दिया जाए हमारे PM के द्वारा। लेकिन जो हमारे कैग है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और ऐसी कुछ भी चीज़ उन्होंने नहीं पाई है कि इस तरीके का कोई भी करप्शन हुआ है। कैग की अगर हम बात करें
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 के तहत कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। इसका मेन काम, कैग का मेन काम है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी उनके पास में पैसा आता है और जो भी वो खर्चा करते हैं उनका सारा ध्यान रखता है, उनका ऑडिट करने का काम होता है कैग का। ठीक, नेक्स्ट न्यूज, लेवरोव जयशंकर टॉक्स टूडे। रशियन फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर लेवरोव इंडिया की विजिट पर आए हैं और उन्होंने इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनके साथ में वो टॉक करेंगे, स्पेशली किसको फोकस करके, अफगानिस्तान को फोकस करके। अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिशमेंट लेकर के अभी 18 मार्च को जो रशिया कंट्री है उसने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट को आमने सामने लेकर के। हालांकि उस मीटिंग में इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद नहीं था। अब रशिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इंडिया आए हैं ताकि इंडिया का क्या विजन है अफगानिस्तान को लेकर के वो क्लियर हो सके। तो इंडिया के पास में एक प्लस पॉइंट है, इंडिया स्पेशली न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि रीजनल एरिया, स्पेशली इंडिया का जो बॉर्डर टच होता है चाइना के साथ में, उस एरिया में भी जो सिक्योरिटी नहीं बनी हुई, पीस का वायलेशन बार बार होता रहता है, उसको लेकर भी अपने कंसर्न क्रिएट कर सकता है। देखो, अफगानिस्तान में 1 मई डेडलाइन है जब वहां से यूएस के जो ट्रूप्स हैं उनको पीछे हटना है। तो उससे पहले यूएस, रशिया, ये बहुत सारी मेजर कंट्रीज है, वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान पर जो भी होना है वो क्लियर विजन हो कि अफगानिस्तान में अब इस तरीके से आगे पावर इस तरीके से चलेगी, तो इसके लिए क्लियर विजन होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, देशमुख क्विट्स एज एस सी ऑर्डर्स सीबीआई प्रोब। महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है वहाँ के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है स्टेट कैबिनेट से। उन्होंने वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है और उन्होंने फिर आगे गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को उनका रेजिग्नेशन दे दिया है। तो देखो, इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, देखो ये तो पॉलिटिकल बेस्ड न्यूज होगी, हो सकता है कुछ कंसर्न हो उनको लेकर के उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया हो। अब हम देख लेते हैं कि कैबिनेट का एक्सपेंशन कितना हो सकता है। देखो, पहले कितने भी लोगों को मिनिस्टर बनाया जा सकता था, लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत जो इनकी संख्या है वो डिसाइड कर दी गई, मतलब टोटल जो नंबर्स हैं, मान लो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, महाराष्ट्र में सीट है 100, तो उसका ओनली 15%, मैक्सिमम 15%, उससे कम भी बनाया जा सकता है बट मैक्सिमम 15%, मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 15% से ज़्यादा स्टेट कैबिनेट नहीं बनाया जा सकता। यही अप्लाई होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज फॉर एडिटोरियल पेज से है, वहाँ पर कुछ डाटा है कोविड 19 को लेकर के। यहाँ पर कोविड 19 की हमारे इंडिया में जो फर्स्ट वेव थी जिसमें सितंबर में सबसे ज़्यादा पीक आया था, और अब जो सेकेंड वेव चल रही है उस पीक को लेकर के दोनों में कंपैरिजन किया गया है अलग अलग एरिया के ऊपर। जैसे एवरेज केसेज उस समय कितने आ रहे थे, इस समय कितने आ रहे हैं, एवरेज टेस्ट के ऊपर और केसेज पर 100 टेस्ट के ऊपर। देखो, सबसे पहले अगर केसेस की बात की जाए तो केस स्टडी 5 जो स्टेट है, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़, इनमें केस स्टडी की गई है। तो ये माना गया है कि जो ये अब वेव 2 है, उस वेव 2 में वेव 1 की तुलना में ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। 20 डे का पीरियड डिसाइड किया गया है, उसमें जो सेकेंड वेव है उसमें केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं। अगर एवरेज टेस्ट की बात की जाए तो देखो, जो वेव फर्स्ट थी जिस समय केसेज ज़्यादा आ रहे थे लेकिन उस समय टेस्ट बहुत कम थे, अब टेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब टेस्ट बहुत ज़्यादा करवाए जा रहे हैं। और लास्ट में कि 100 टेस्ट के ऊपर कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, वो होता है पॉजिटिविटी रेट। 100 टेस्ट कंडक्ट करवाए गए उसमें कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, तो जो वेव फर्स्ट थी उस समय 100 टेस्ट के ऊपर जो पॉजिटिव रेट है वो ज़्यादा आ रही थी, अब रेट कम है। ठीक है, तो ये कोविड 19 से रिलेटेड न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, पुलिस अरेस्ट सीए फॉर फेक लॉकडाउन जीओ क्या है, गवर्नमेंट ऑर्डर। देखो, यहां पर तेलंगाना में एक सीए चार्टेड अकाउंटेंट, उन्होंने गवर्नमेंट के जो ऑर्डर है कोविड 19 लॉकडाउन को लेकर के तेलंगाना में, उसको उन्होंने
मतलब डाउनलोड किया, उसमें डेट चेंज की और फिर उसको सर्कुलेट कर दिया। ना सिर्फ स्टार्टिंग में अपने जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उनमें सर्कुलेट किया, लोगों ने पैनिक हो करके फिर इसको और ज़्यादा क्या किया, सर्कुलेट किया। जब ये गवर्नमेंट तक एक तरीके से पुलिस के पास में न्यूज़ पहुंची तो इसके बारे में जब पता लगाया गया तो इन सीए को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने बोला कि एज ए फॉर फन, सिर्फ फन के लिए, मतलब लोगों के जो एथिक्स हैं उनका लेवल कितना, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी कम होती जा रही है। कोविड 19 जो एक पैनिक है, जिसकी वजह से, एक पैंडेमिक की वजह से लोगों में एक डर का माहौल बनता जा रहा है दोबारा से, जब से कोविड 19 के केसेज इंक्रीज हो रहे हैं, और उसमें एक चार्टेड अकाउंटेंट, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ऐसे भी नहीं बोल सकते कि इलिटरेट पर्सन, एक अच्छा वेल एजुकेटेड पर्सन, और वो सिर्फ एज ए फन इस तरीके की न्यूज़ को सर्कुलेट कर रहा है। तो लोगों को अपने जो एथिक्स हैं उनको मेंटेन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सबसे पहले एक ह्यूमन हो और आपकी वजह से अगर किसी में डर पैदा हो रहा है तो आप स्पेशली आपके जो ह्यूमन होने के, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको ही आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, रेलवेज कंप्लीट आर्क क्लोजर ऑफ चेनाब ब्रिज। चेनाब जो नदी है उसके ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है और उस ब्रिज का जो आर्क है, मतलब ये देखिए, ये कंप्लीट हो चुका है। पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट इस तरीके का ब्रिज बनाया जा रहा है जो एफिल टावर से भी 35 मीटर तक ऊंचा होगा। अब चेनाब रिवर के बारे में अगर हम देखें, देखो 1315 मीटर चेनाब ब्रिज है और इसका जो आर्क है वो क्लोजर हो चुका है। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ये कंप्लीट हुआ है। अगर चेनाब रिवर की हम बात करें तो चेनाब रिवर हिमाचल प्रदेश का, यहाँ देखिए इंडस रिवर सिस्टम को भी हम देख लेते हैं। चेनाब रिवर जो हिमाचल प्रदेश का चंद्रा और भागा दो रिवर से मिलकर के चेनाब रिवर बनती है, दोनों रिवर कन्फ्लुएंस होती है और उससे चेनाब रिवर का ओरिजिनेट होता है, मतलब ओरिजिन होता है हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये इंडस रिवर सिस्टम है। सबसे पहले इंडस रिवर, फिर झेलम रिवर, फिर चेनाब रिवर, फिर यहाँ पर आती है रावी रिवर, फिर ब्यास रिवर, सतलज रिवर। ब्यास और सतलुज ऐसी नदी हैं जो दोनों की दोनों नदी इंडिया में ही मर्ज हो जाती हैं। इंडस और सतलुज ऐसी नदी हैं इस इंडस रिवर सिस्टम में जो तिब्बत से जिनका ओरिजिन होता है, और ये सारी नदी जाकर के, सिर्फ ब्यास और सतलुज को छोड़ करके सारी नदी जाकर के पाकिस्तान में आपस में मर्ज होती है। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी भी साइन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ताकि इनका पानी शेयरिंग हो सके, दोनों मिलकर के बांट करके अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी एग्रीकल्चर यूज़ के लिए, पीने के ड्रिंकिंग वाटर के लिए, सैनिटेशन के लिए इस पानी का यूज किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, INS विराट नाउ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ शिप ब्रेकर। कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो INS विराट की सबसे पहले हम बेसिक फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो 1959 में इसको कमीशन किया गया था रॉयल नेवी में, उसके बाद में 1984 में उन्होंने डी कमीशन कर दिया और फिर 1987 में इंडियन नेवी ने इसको खरीद लिया था। 2013 में जब INS विक्रमादित्य आ गया, उसके बाद में INS विराट को क्या कर दिया गया, डीकमीशन कर दिया गया। ये जो INS विराट है वो एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में इंडियन नेवी में काम करता था। अब इसको जब उनको डीकमीशन कर दिया गया तो स्टार्टिंग में इसको बेच दिया गया एक कंपनी को, लेकिन बाद में हाईकोर्ट में कुछ रिट लगी, कुछ प्ली आई कि इसको एज ए म्यूजियम बनाया जाए। लेकिन अब जो हाईकोर्ट है उसने, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली के ऊपर रिस्पोंड किया है कि जो फर्म है जिसने इसको खरीदा है अगर वो खुद इसको म्यूजियम बनाना चाहती है तो अलग बात है, नहीं तो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी फर्म ने इसको खरीदा है और अंडर ए स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत इसको खरीदा गया है। तो इस तरीके से ये जो INS विराट है, अगर वो कंपनी इसको चाहती है कि एज ए म्यूजियम क्रिएट किया जाए तो उसका पर्सनल व्यू है, नहीं इसको बोला नहीं जा सकता प्राइवेट फर्म को कि आप इसको म्यूजियम क्रिएट करो। नेक्स्ट न्यूज देखो, टिहरी डैम से जो हेलीकॉप्टर है वो पानी उठा रहा है, क्योंकि इसके जो फॉरेस्ट वाला रीजन है, गढ़वाल वाला रीजन, वहाँ पर एक फायर, मतलब फॉरेस्ट में फायर लग गई है, जिसको उसको बुझाने के लिए टिहरी डैम से पानी उठाया जा रहा है।
इंडिया का सबसे टॉलेस्ट डैम है टिहरी डैम और ये भागीरथी नदी के ऊपर उत्तराखंड में बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज, पेनेक्का बायोटेक टू मेक 100 मिलियन डोजेज ऑफ स्पुटनिक 5। स्पुटनिक 5 रशिया की वैक्सीन है और इसको लेकर के इंडिया की 5 कंपनी से इनका साइन अप हो गया है और वो 5ों कंपनी मिलकर के स्पुटनिक 5 की अलग अलग डोजेस बनाएंगी। यहाँ देखिए अलग अलग कंपनी के यहाँ पर नाम दे रखे हैं, वो सारी कंपनी मिल करके हिटेरो बायोफार्मा, इसके अलावा ग्लैंड फार्मा, स्टेलिस बायोफार्मा, विर्चो बायोफार्मा और अब पेनेक्का जो है, इसके अलावा जो डॉक्टर रेडी लेबोरेटरी उसके साथ में भी इसकी पार्टनरशिप हुई है स्पुटनिक 5 जो रशिया की एक क्या है वैक्सीन है। यहाँ देखिए नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। फर्स्ट न्यूज, जापान एक्सप्रेसेज कंसर्न टू चाइना ऑन हांगकांग उइगुर्स। चाइना में जो हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना के अंडर 1997 से, उससे पहले ब्रिटेन के अंदर आता था, और उइगुर रीजन, उइगुर एक माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी है और उनके ऊपर एटोसिटीज वायलेंस क्रिएट किया जाता है, उनकी जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ में काफ़ी वायलेंस होता है, उसी को लेकर के अलग अलग कंट्रीज ने समय समय पर अपने कंसर्न क्रिएट किए हैं अगेंस्ट चाइना। अब जापान ने भी अपने कंसर्न को एक्सप्रेस किया है कि चाइना में इन सारे जो लोग हैं उनके खिलाफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट न्यूज, फिलीपींस स्लैम्स चाइना ओवर कंटिन्यूड इनकर्जन। कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर एक विट्सन रीफ है और उस विट्सन रीफ वाला जो रीजन है उसका यूज किया जाता है चाइना के लिए, हमेशा चाइना के द्वारा मछलियों को पकड़ने के, फिशेज को पकड़ने के लिए। अब वहाँ पर काफ़ी दिनों से चाइना की जो वेसल्स हैं वो काफ़ी दिनों से बनी हुई थी, तो फिलीपींस ने बोला है कि जो एरिया जिसके ऊपर चाइना अपना इनकर्जन, चाइना अपना डिप्लॉयमेंट करने वाला है, वो एरिया फिलीपींस के जो इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके अंदर आता है और हम एक इंच भी चाइना को नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। नेक्स्ट न्यूज, आई एम नॉट गोइंग टू ओबे से जॉर्डन प्रिंस। जॉर्डन के जो प्रिंस, जो कल हमने देखा जॉर्डन जो एक कंट्री है, और जॉर्डन कंट्री जो डायरेक्ट मेडिटेरियन सी से अपनी बॉर्डर टच नहीं करता है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जॉर्डन के साथ में कौन से कंट्रीज और कौन सी गल्फ उसके साथ में अपनी बॉर्डर टच करती है, तो ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो जॉर्डन के जो प्रिंस हैं उनके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, उनके कम्युनिकेशन को लेकर के, मूवमेंट को लेकर के कुछ लिमिट्स उनके ऊपर लगाई गई थी, तो उन्होंने बोला कि मैं किसी की बात को नहीं मानने वाला, आई एम ए फ्री मैन और मैं जहाँ जाना चाहता हूँ, जहाँ मूवमेंट करना चाहता हूँ, जिससे बातचीत करना चाहता हूँ, उसको लेकर के मेरे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है। नेक्स्ट न्यूज, अफगान प्रेसिडेंट टू अनवेल न्यू पीस प्रपोजल ऑफिशियल्स। देखो सबसे पहले अगर थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें तो जब मिस्टर ट्रंप थे उस समय तालिबान को लेकर के मिस्टर ट्रंप ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम यहाँ से अपनी सेना पीछे हटाएंगे और आप तालिबान जो लोग हैं वो अफगानिस्तान की भूमि का यूज, अफगानिस्तान की जो लैंड है, जो ग्राउंड है, उसका यूज टेररिज्म को बढ़ाने के लिए नहीं करने दोगे, स्पेशली अगेंस्ट यूएसए। तो ये प्रपोजल साइन हुआ था, अब उसी को लेकर के तालिबान ने बोला है कि यूएस की जो आर्मी यहाँ से पीछे हटने वाली थी, 1 मई उसकी डेडलाइन है, वो वहाँ से पीछे हटना होगा। उसी को लेकर के अब सारे जो कंट्री हैं, रीजनल कंट्री, यूएसए, रशिया, चाइना, ये सब चाहते हैं कि अफगानिस्तान में पीस प्रपोज हो सके। अब यूएस की तरफ से सीक्रेट तरीके से 2 प्रपोजल रखे गए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के पास में कि या तो आप वॉर को फेस करो या फिर दूसरा आप तालिबान के साथ में गवर्नमेंट को शेयर कर लो। तो अब अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी, उन्होंने कोशिश की है कि तालिबान के साथ में जो पावर है उसको शेयर किया जाए, मतलब गवर्नमेंट उनके साथ में मिलकर के बनाई जाए, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी चुनाव होंगे वो डायरेक्ट नहीं होंगे, वो बैलेट बॉक्स के थ्रू, मतलब जो भी लीडर्स होंगे जिसके बीच में भी गवर्नमेंट बनेगी, वो लीडर्स चुने जाएंगे बैलेट बॉक्स के तहत, मतलब इलेक्शन के तहत। देखो ये तो एक प्रॉब्लम को कुछ समय के लिए सॉल्यूशन करने की बात है। तालिबान की अगर बात की जाए तो तालिबान का ज़्यादातर जो रूरल एरिया है अफगानिस्तान का, वो तालिबान के अंडर आता है,
तो अगर तालिबान के पास में पावर आई तो कैप्चर करने की कोशिश नहीं करेगा। जब उसको उसके पास पावर नहीं है तब उसको बातचीत के लिए बुलाया जाता है, तब वो सीधे तरीके से बातचीत नहीं करने आता, और बातचीत का दौर चल रहा है तब भी सीज फायर एग्रीमेंट के ऊपर वो रुक नहीं रहा है, लगातार अटैक किए जा रहा है। तो जब उसके पास में पावर होगी तो क्या वो अफगानिस्तान को पूरा कैप्चर करने की कोशिश नहीं करेगा? और जैसे ही बैलेट बॉक्स के थ्रू उसके, मान लो उसके लोगों को चुना ही नहीं, किसी ने उसको वोट ही नहीं दिया, और सारी की सारी जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है, अफगानिस्तान की जो पार्टीज है, उनको सपोर्ट किया गया, तो क्या तालिबान पूरे अफगानिस्तान को अपने अंडर लेने की कोशिश नहीं करेगा? जैसा कि अभी हम म्यांमार में देख रहे हैं, म्यांमार में धीरे धीरे डेमोक्रेसी लाई गई। अब जो पिछले साल 2020 में चुनाव हुए वहाँ पर ज़्यादातर सीटें डेमोक्रेसी के लिए लाई गई, क्योंकि लोगों को जो इंडिपेंडेंस मिली उसको लोगों ने फील किया, और जब इंडिपेंडेंस मिली तो उनको वैल्यू पता चली कि इंडिपेंडेंस में क्या क्या किया जा सकता है, इसीलिए लोगों ने डेमोक्रेसी को बढ़ाने की कोशिश की। और जब सेम प्रोसीजर अफगानिस्तान में किया जाएगा तो जिस तरीके से म्यांमार में आर्मी ने डेमोक्रेसी को टर्न आउट करके सारी पावर अपने हाथ में ले ली, तो क्या तालिबान कोशिश नहीं करेगा कि सारी पावर को वो अपने अंडर ले सके? नेक्स्ट न्यूज, पुतिन साइंस लो दैट कुड कीप हिम इन ऑफिस टिल 2036। देखो, रशिया के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर पुतिन, काफ़ी लंबे समय से वहाँ बने हुए हैं, और अब उन्होंने कुछ ऐसा लॉ साइन कर लिया है कि 2036 तक तो वो वहाँ के राष्ट्रपति बने ही रहेंगे। उनकी जो टर्म है वो 2024 में कंप्लीट होगी, और नेक्स्ट टू टर्म्स के लिए भी उन्होंने अपने आप को अपॉइंट कर लिया है कि वो एज ए प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकेंगे रशिया की। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।